सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं द बाल वर्ल्ड। और भाई आज मैं कुछ बॉस पोकेमोन से लड़ने वाला हूँ, जिसमें हमारा होने वाला है एल्फिड्रैन। भाई एल्फिड्रैन मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैंने एक भी अभी तक पकड़ा नहीं है। एल्फिड्रैन पोकेमोन को पकड़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं बताता हूँ, जितने भी बॉस पोकेमोन होते हैं ना पाल वर्ल्ड में, एक तो उनको पकड़ने या उनको हराने के लिए आपको बहुत ही तगड़े पॉइंट्स मिलते हैं, वो आपकी लेवल अप में भी हेल्प करते हैं, और आपको उससे बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। जैसे अभी एल्फिड्रैन आ गया बिल्कुल मेरे सामने, और भाई मैं इस पे डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर अटैक में सफल हूँ तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्यों नहीं देख रहे हैं मुझे लोग। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मेरे व्यूज़ इतने कम है ना कि लोग देखने नहीं चाह रहे हैं। शायद मैं अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, कुछ फीडबैक ज़रूर देना यार। तो भाई मेरे वानरों ने कर दिया है बहुत ही तगड़ा अटैक इस पर, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, बॉस पोकेमोन देख लेते कि भाई इन पे अटैक करने के लिए आया कौन हुआ है। वो उस पोकेमोन के साथ साथ उसके मास्टर पे भी अटैक करना कंटिन्यू कर देते हैं। उससे क्या होता है भाई, पोकेमोन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सारे अटैक झेल जाता है, लेकिन भाई हमारे पास उतनी पावर नहीं होती कि हम ऐसे बॉस पोकेमोन के अटैक झेल पाएँ। लेकिन भाई हमारे अंदर भी चुल, हम साइड में छुप के बैठेंगे तो नहीं, गोलियाँ वोलियाँ हम भी चलाएँगे। तो भाई उसने भी बोल दिया है एल ए, और भाई उसने मारा है डबल अटैक। आपने सेम अटैक है ना, आपने देखा होगा जो हाथी पोकेमोन है ना, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ बाद में, जो मेमोरेथ है, मेमोरेथ नाम है, मेमोरेथ भी सेम अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक होता है बिल्कुल सीधा, इसका घूम रहा है आपकी मूवमेंट के हिसाब से। अरे भाई बीच बीच में यार ये एक और आ गया, दूसरा अपना हिस्सा मांगने के, भाई मेरे को भी लड़ना है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब है। उस पर तो हमने अटैक भी नहीं है, फिर उसको चुल है, उसके आसपास कोई दिखेगा तो वो अटैक करने आएगा, उसको ऐसी चुल रहती है। ओ भाई ये एल्फिड्रैन जो है भाई, ये आग से भी अटैक कर सकता है, पानी से भी, एंड भाई बवंडर भी छोड़ रहा है, ये अलग ही लेवल का पोकेमोन है यार। पर पावर हो गई है इसकी बहुत ही ज़्यादा कम, और भाई ये होने वाला है ख़त्म। वो पीछे से फिर अटैक कर रहा है यार, जिसका कंट्रोल ना लेना ना देना कुछ, वो अटैक पर अटैक किए जा रहा है। भाई इसको दूसरे वाले को क्या चुल है यार, भाई फिर यार देख रहे हो इसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि बहुत सारे बीज से बिखेर देता है और वो फटते हैं बाद में। रॉबिन क्विल नाम है इसका, और भाई बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है, वैसे है मेरे पास ऑलरेडी। भाई ये हो गया है मेरा बॉस किल। बॉस फर्स्ट किल का मतलब होता है कि इस बॉस पोकेमोन को आपने पहली बार आ रहा है। भाई अब रॉबिन क्विल की बारी, देखा एक अटैक का दम नहीं था इसमें और इतना उछल रहा था ये, मेरे पोकेमोन को बस फ्री होने की देर थी। और इसके पास से भाई हमें मिलेगा थोड़ा सा मटेरियल, हमें मिला है पाल ऑयल, एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट, और भाई जो भी आप बॉस पोकेमोन पहली बार मारोगे ना तो आपको एंशियंट सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिसका यूज़ आप बड़े टाइप की टेक्नोलॉजी को अनलॉक करने के लिए कर सकते हो। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अपने घर वालों का ध्यान, आप सबको राम राम, बाय बाय।